हरिद्वार जाना, परमिट लगता हरिद्वार जाने वास्ते। इन्हें शहादत दी अस लोग अज फ्री हरिद्वार जाई सकते, कोई परमिट नहीं लेना पौंदा, नहीं तो हरिद्वार जाने उपर बंडा डंडा लाए झंडा लाना तिरंगा। जिला रामबन के बलियोत गांव के डूडला में जाना हुआ, अपना संघ का एकात्मता सप्ताह शहीदों के प्रति कृतज्ञता के इस कड़ी में पहले हम पोगल उखड़ाल कुंडा कांड में शहीद हुए हुए परिवारों को सम्मानित किया, उखड़ाल में भविष्ण जी के घर जाना हुआ उनके परिवार को सम्मानित किया, और उसी की एक कड़ी में हम यहाँ डूडला में आए हैं, मोगी में आए हैं, बलियोत गांव में। यहाँ 1953 में प्रजा परिषद के आंदोलन में यहाँ के दो शहीदों, यहाँ के दो लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं 1953 के प्रजा परिषद के आंदोलन में। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से उन परिवारों का, हम शहीदों के परिवारों को सम्मान में हमने उन्हें तिरंगा भेंट किया है, और हम उनके परिवार के पास यहाँ आए हुए हैं। 1953 में जिन्होंने एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे इस बैनर तले अपने अपने जानों की कुर्बानी देके, और इस जम्मू कश्मीर में पिछले साल जो 370 35 से जो हटा, और मुझे लगता है कि ये धाराएं हटने से उनके सही, उन शहीदों को सही श्रद्धांजलि लगी है। 1953 में हमारे जिला रामबन में से तीन लोग शहीद हुए थे इस प्रजा परिषद के आंदोलन में। एक कंठी से थे, देवी राम और शिव शरण यहाँ बलियोत के थे। आज हम उनके परिवार के पास आए और उन परिवार वालों का हम नमन करते हैं, और उन शहीदों को शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश की अखंडता और एकता के लिए अपना बलिदान निछावर किया। धन्यवाद। वीडियो, वीडियो, वीडियो खबर। मेरा नाम तारा चंद है, मेरे पिताजी का नाम देवी सन, बलियोत मोगी के रहने वाले थे। और को बोलना थे 1953 में ना ना डिमांड हमारी ये है, मकान नहीं हमें, देखो हमारे मकान का फोटो ले लो, गिरे हुए मकान है। अब मैं रह गया हूँ, नज़र भी मुझे ख़त्म है, हैंडीकैप हूँ, तो इसलिए पार्टी हमारी सहायता करनी चाहिए। चलो अच्छा ठीक है।